लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच दोस्ती को क्या कहेंगे आप, जिसमें इन दो ये दो नेता जब सामने से मिलते हैं तो बड़ा वार्म वेलकम करते हैं, लेकिन सरकार से अलग हो गए और नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो लालू यादव नीतीश कुमार को लेकर नरम है, लेकिन उन पर नीतीश कुमार क्यों गर्म? यानी कि तेजस्वी यादव के विभागों की जांच होनी है, बल्कि आरजेडी कोटे के कुछ और मंत्रियों के भी विभागों की जांच की जानी है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में, और इसके पीछे की राजनीति क्या है या मंशा क्या है? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर नीतीश कुमार कोई एक्शन ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई प्रूफ है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमो। प्रूफ क्या है नीतीश कुमार के बाद, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बिहार की राजनीति में फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हावी है। हालांकि बीजेपी जेडीयू के संबंधों में नीतीश कुमार इससे पहले हावी हमेशा नजर आते हैं। अगर वो कमजोर होते दिखते हैं तो कुछ ऐसे फैसला कर लेते हैं जिसकी वजह से गठबंधन के अंदर उनको लेकर, या यूं कहें कि जेडीयू पार्टी बड़ी पार्टी हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार यहां पर बीजेपी से सलाह ले रहे हैं। दरअसल अगर आप बिहार की राजनीति को समझें तो जिस तरीके से जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है तो उसमें बीजेपी और आरजेडी आमने सामने है। बीजेपी को भी ये लगता है कि उनकी अगर प्रतिद्वंदिता किसी से है तो वो आरजेडी है। आरजेडी को अगर वह कमजोर करें तो बिहार की राजनीति में वो सबसे बड़ी पार्टी हो सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि लालू परिवार पर हमला किया जाए। इसका उदाहरण आप ऐसे समझिए कि लालू यादव जब जेल गए तो धीरे धीरे उनकी पार्टी कमजोर होती चली गई। तेजस्वी यादव भी कई केस में फंसे हुए हैं, कई सारे केस उनके ऊपर हैं जिसकी जांच हो रही है। लेकिन अब बिहार में पिछले 17 महीने की सरकार के में जो उन्होंने काम किया है उसकी भी अब जाँच होनी है। साथ ही आरजेडी के कोटे के दूसरे मंत्रियों की भी जाँच की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सब बीजेपी के नेताओं के इशारे पर हो रहा है? क्या नीतीश कुमार ये फैसला बीजेपी के नेता के इशारों पर कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की तरफ से ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा सामने आए थे और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के विभागों की जांच होनी चाहिए। सत्ता का स्वाद, मुंह में जो खून लगा है भ्रष्टाचार की कमाई का, तो बेचैनी तो साफ झलक रही है। सदन के अंदर भी आपने देखा है, जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लूट लिया, पांच पांच विभाग अपने पास रख करके, बताइए पीडब्ल्यूडी, ठीक है कि आप उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री के जिम्मे वित्त वाणिज्य रहता है, पीडब्ल्यूडी रहता है स्वास्थ्य, शहरी विकास, सारा विभाग आरडब्ल्यूडी सब आपके पास। अरे एक दो विभाग रह माना जा सकता है, ठीक है, ऊपर के ये चार विभाग हैं, वित्त वाणिज्य है, पीडब्ल्यूडी है, स्वास्थ्य है, शहरी विकास है, आरडब्ल्यूडी है, कृषि है, शिक्षा है, लेकिन आप तो पांच पांच विभाग अपने पास रखे रह गए। ये भ्रष्टाचारी का साफ स्पष्ट संकेत है, लूटने का अवसर। पीडब्ल्यूडी के अंदर हम जा रहे हैं और हमने कहा कि पीडब्ल्यूडी के अंदर जो भी घोटाला हुआ है हम उसका मॉनिटरिंग करेंगे और समीक्षा करेंगे। बड़ी तहसीलदारी पीडब्ल्यूडी के अंदर और स्वास्थ्य विभाग के अंदर हुआ है, और ये दोनों विभाग जनता के हित के लिए जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले को बख्शे नहीं जाएंगे, पूरी नजर हमारी है। तेजस्वी के पिछले 17 महीनों के कार्य को देखा जाए या फिर नीतीश कुमार के 17 साल के काम को देखें, तेजस्वी के पिछले 17 महीने के कामकाज को देखते हुए ये माहौल जरूर बना कि बिहार में नौकरियां दी गई है, लेकिन अब बिहार में क्रेडिट वार भी है कि जिसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के प्रभाव में है तो इस प्रभाव के तहत एक जाँच भी कराई जा रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस जाँच के पीछे बीजेपी की मंशा यही है कि आरजेडी को कमजोर किया जाए, जिससे आरजेडी अगर कमजोर होती है तो बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है और सत्ता पा सकती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।